गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ सना, जैसे कि आप सब जानते हो। तो आप सबका बहुत स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पे, सना ब्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, बट बहुत सारे लोग ऐसे नए जुड़े हैं मेरे साथ जो मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है। बिकॉज बहुत सारे मैंने लास्ट मंथ ही राजस्थान के कुछ ब्लॉग्स डाले थे, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं राजस्थान से हूँ या दिल्ली से हूँ, कहाँ से हूँ। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। तो इससे आई होप कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस ना आए मेरे लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और सॉरी थोड़ा सा हिल गया था कैमरा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ससुराल से। तो मेरा ससुराल दिल्ली में है। दिल्ली में बेसिकली मैं रहती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। ससुराल में एक्चुअली है, क्योंकि ससुराल में ऐसा होता है ना कि मेरे जो दादाजी थे, दादा ससुर और मेरे मायके वाले की साइड से भी, मतलब हम बेसिकली बिलोंग करते हैं राजस्थान से, बट हम बहुत बहुत टाइम से रह रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में लगभग 30-35 साल के लगभग ऐसा कुछ हो गया है टाइम हमको रहते हुए, और दोनों ही साइड के, लाइक मेरी मम्मी, मेरे मायके वाले और ससुराल वाले ऐसे ही दिल्ली में रह रहे हैं, और बेसिकली राजस्थान से हैं दोनों फैमिली एक ही जगह से हैं। और मेरा ससुराल भी, मतलब इतनी दूरी पे, मिनिमम मान लो, नहीं सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर का फासला होगा मेरे ससुराल से और मायके से राजस्थान। बट यहाँ पे मुझे लगता है मिनिमम कम से कम, मतलब 1 घंटे से ऊपर तो लगेगा ही लगेगा मुझे मेरे ससुराल से मायके जाने में। इतना टाइम तो लगेगा। तो चलो बात करते हैं कहाँ की बात कहाँ ले गई मैं। तो चलो बात करते हैं पहले मेरे ससुराल में। तो मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, एक मेरे देवर हैं, वो हैं, दो भाई हैं ये, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ऑफकोर्स। मेरे ससुर जी हैं और मेरी सास है, मदर इन लॉ हैं, तो हम 5 लोगों की अभी फ़िलहाल फैमिली है। बाकी अभी मेरे देवर जी की मैरिज शायद नेक्स्ट ईयर होगी, तो फिर हम 6 लोगों की फैमिली हो जाएगी यहाँ पर। और मेरे मायके में मेरा एक भाई है और मम्मी पापा हैं। मेरे भाई की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो बस इतनी छोटी सी एक फैमिली है हमारी। और राजस्थान का क्या सीन है, राजस्थान का मैंने बता दिया है कि हमारी बेसिकली जो हम हैं वो राजस्थान से हैं, बट रहते दिल्ली में हैं, तो सब कुछ हमारा दिल्ली में ही है, हमारी स्टडी यहीं हुई है और हम यहीं पले बड़े हैं, तो बस इसीलिए। बाकी कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हमें ऑफिस से जाना पड़ेगा, जाते हैं हम। अभी मैं लास्ट ईयर गई थी, जब मेरे रिलेटिव्स की मैरिज थी तब मैं वहाँ गई थी, मेरे ससुराल। तो आगे आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे अगर मेरे देवर की शादी राजस्थान से हुई तो। अगर दिल्ली से हुई तो भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, बट राजस्थान का कल्चर सच में मुझे बहुत पसंद है। वहाँ एक रौनक आ जाती है जब शादी होती है। यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है कि रिलेटिव्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे भी रिलेटिव्स ही आएंगे, बट ऑब्वियस है ना कि सब एक दूसरे के घर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गाँव में हरियाली, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताऊँगी जो मुझे पता होगा। बाकी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, बिकॉज मैं यहीं पली बड़ी हूँ और यहीं मेरी स्टडी हुई है, और मेरे हस्बैंड की भी स्टडी यहीं से हुई है, और हम सब यहीं पले बड़े हैं। बात ख़त्म यहाँ पे, बात ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरी बेबी है नहीं है, क्या है, और मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 30 जनवरी को मेरी 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो अभी गई है जनवरी। 30 जनवरी को मेरी लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, 4th, तो 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को। और मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी अक्टूबर 22 को, उसके बाद 2 months and 11 days वो मेरे पास रही। 4th of January को वो चली गई, और
मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊँ, बट मैं बता रही हूँ बिकॉज आगे कोई भी क्वेश्चन ना आए, बिकॉज मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं बहुत मतलब उसके बारे में सोचने लग जाती हूँ और वहीं पहुँच जाती हूँ कि उसको कैसे रखा मैंने, कैसे वो रही। तो प्लीज़ आप लोग दोबारा क्वेश्चन मत कीजिएगा, मेरे अभी कोई बेबी नहीं है, बट हम थोड़े टाइम बाद प्लान करेंगे बेबी का, तो जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप सबको बता दूँगी जैसा भी कुछ होगा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में तो मैं ऑफिस से आपसे कनेक्ट रहूँगी ही रहूँगी। तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे आगे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइज कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, अब आप अगर आपको अच्छा लगे तो ही करिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो देख करके भी जा सकते हैं, अगर थोड़ी पसंद आई तो लाइक करके चले जाइए, ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस और कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग, बस यही कन्फ्यूज़न थी आपको कि ब्लॉग बनाते हो दिल्ली में, बोलते हो राजस्थान में, तो इस तरीके से ही बस हस्बैंड का बता दिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस वर्क करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं वो, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और मैंने बीकॉम किया है स्टडी में, और मैं अभी स्टडी नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था, तो अभी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैंने बीकॉम किया है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। एंड अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं अपनी किसी भी ब्लॉग में आपका रिप्लाई कर दूँगी, नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा मैं उसमें आप सबका रिप्लाई कर दूँगी। तो प्लीज़ गाइज थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, मुझे देखने के लिए, आप लोगों का टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना प्रीशियस टाइम है, आपने उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे लिए, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत सारा दिल से धन्यवाद आप सबका। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, आप लोगों से बातें करना, आपके कॉमेंट्स रीड करना, मतलब बहुत 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 इतना सारा बहुत लीड भी मेरी उधर चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस गाइस यही था छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच, बाय 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 गाइस, लव यू ऑल, लव यू, बाय।